पवन की जगह अक्षरा को मैदान में उतारने की तैयारी। बीजेपी की टिकट पर आसनसोल लोकसभा सीट से लड़ सकती है चुनाव। आसनसोल सीट से पवन सिंह की ओर से नाम वापस लेने पर बीजेपी नए भोजपुरी स्टार की तलाश में है। अब अक्षरा सिंह का नाम चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में अक्षरा को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। भोजपुरी एक्ट्रेस के पिता ने कहा कि अगर बीजेपी आसनसोल सीट से अक्षरा को उम्मीदवार बनाती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अक्षरा से बीजेपी के कई नेताओं की मुलाकातें भी हुई है। इसमें अक्षरा ने भी चुनाव लड़ने की हामी भरी है। अब बीजेपी नेताओं ने अक्षरा को लेकर पार्टी के आला कमान को जानकारी दे दी है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अक्षरा सिंह पवन सिंह की धुर विरोधी मानी जाती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी एक्टर की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी। पहले तो पवन सिंह ने इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद किया, लेकिन आसनसोल सीट को लेकर सवाल उठने के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर बीजेपी को चौंका दिया। भोजपुरी एक्टर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आसनसोल से उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी आला कमान को ढेरों धन्यवाद, लेकिन मैं यहां से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। अक्षरा और पवन सिंह पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कई फिल्मों में एक साथ काम किया, फिल्में भी हिट रही। दोनों के बीच नजदीकी इतनी हो गई थी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इनकी शादी तक की बातें होने लगी। हालांकि बाद में इतना मनमुटाव हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए। अक्षरा सिंह कई मौकों पर पवन सिंह पर बड़े आरोप लगाती रही हैं। बीजेपी अब पवन सिंह की जगह अक्षरा को मैदान में उतार कर इस सीट को अपने कब्जे में करना चाहती है।